At a time when several parts of the nation are reeling under drought and water scarcity, Prime Minister Narendra Modi suggested that the Simhastha Kumbh Mela going on in Ujjain can be used to teach people about water conservation. The PM also suggested a photography competition by the Tourism Ministry to bring out different hues and moods of the Mela. He gave the suggestions through his Mann Ki Baat radio program today. Hamara desh ki visheshta hai Kumbh Mela. Kumbh Mela टूरिज्म के आकर्षण का भी केंद्र बन सकता है। दुनिया के बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि इतने लंबे समय तक नदी के तट पर करोड़ों करोड़ों लोग आए, शांत चित्त शांतिपूर्ण वातावरण में अवसर संपन्न हो, ये घटनाएं अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन की दृष्टि से, इवेंट मैनेजमेंट की दृष्टि से, जन भागीदारी की दृष्टि से बहुत बड़े नए मानक सिद्ध करने वाली होती है। पिछले दो दिन से मैं देख रहा हूं कि कई लोग सिंहस्थ कुंभ की तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार का टूरिज्म डिपार्टमेंट, राज्य सरकार का टूरिज्म डिपार्टमेंट इसकी कंपटीशन करे, फोटो कंपटीशन, और लोगों को कहें कि बढ़िया से बढ़िया फोटो निकाल करके आप अपलोड कीजिए। कैसा एकदम से माहौल बन जाएगा और लोगों को पता चलेगा कि कुंभ मेले के हर कोने में कितनी विविधताओं से भरी हुई चीजें चल रही हैं, तो जरूर इसको किया जा सकता है। मुझे बीच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मिले थे, वो बता रहे थे कि हमने स्वच्छता पर विशेष बल दिया है, और स्वच्छता वहीं रहे ऐसा नहीं, वहाँ से लोग स्वच्छता का संदेश भी लेके जाएं। मैं मानता हूँ ये कुंभ मेला भले धार्मिक आध्यात्मिक मेला हो, लेकिन हम उसको एक सामाजिक अवसर भी बना सकते हैं, संस्कार का अवसर भी बना सकते हैं। वहाँ से अच्छे संकल्प, अच्छी आदतें लेकर के गांव-गांव पहुंचाने का एक कारण भी बन सकता है। हम कुंभ मेले से पानी के प्रति प्यार कैसे बढ़े, जल के प्रति आस्था कैसे बढ़े, जल संचय का संदेश देने में कैसे इस कुंभ मेले का भी उपयोग कर सकते हैं, हमने करना चाहिए।